लुक एट दिस डिलिशियस, हमारी मुरादाबादी बिरयानी रेडी है। बहुत मज़ेदार ये रेडी हुई है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ही आला इसका टेस्ट है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया कीजिए और अपना फीडबैक दिया करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा रियाज़ी किचन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। जिन लोगों को ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी पसंद नहीं होती और बच्चे भी ज़्यादा बिरयानी मसाले वाली पसंद नहीं करते, कम मसाले वाली पसंद करते, तो ये बेहतरीन रेसिपी उनके लिए। कि 2 किलो मैंने चिकन ले लिया है इसके लिए, इसको हम सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 लीमू ले लिए थे, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने ये साबुत गरम मसाले ले लिए हैं, ज़ीरा है, काली मिर्च, मोटी इलायची है, लौंग और ये दालचीनी है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 हम छोटी इलायची होती हैं जो चाय में हम डालते हैं वो मीठे वगैरह में, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये इलायची हमने डाल दी है। यहाँ पे 1/2 कप मैंने दही का ले लिया है, ये भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। दही भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने ले ली है हरी मिर्चें इसके अंदर, क्योंकि सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, तो 1 पाव जो मैंने हरी मिर्च ले ली है इसको मैंने काट लिया है, तो ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ में यहाँ पर हम मेरे 1.5 किलो चावल है, 2 किलो चिकन है, यहाँ पे 3 खाने के चम्मच भर के मैं नमक भी साथ ही ऐड कर दूँगी। ये नमक भी हमने साथ ही ऐड कर दिया। अब सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए कितना कलरफुल था, बहुत ही खूबसूरत था। जो हमारा रेडी हो गया है चिकन, अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 प्लेट के अंदर 1 खाने का चम्मच ये सौंफ है और 1 खाने का चम्मच ही ये धनिया है, इसको हमने मोटा मोटा सा पीस लेना है। सौंफ और धनिया को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, 2 खाने के चम्मच ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तिला मैंने चूल्हे पे रख दिया है, इसके अंदर 1.5 कप में ऑयल का डाल दूंगी। आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। इसको हम गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हमने जो चिकन मैरिनेट किया है ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम पर हम इसको भुनेंगे। 5 मिनट हो गया है इसको फ्राई करते हुए, 5 मिनट के बाद इस शक्ल में आ गया है। इसको हमने मिक्स कर देते हैं। देखो बहुत ज़बरदस्त की शक्ल आ रही है, इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद हम पकाएंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। 10 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए, ये बहुत अच्छे से भुन गया है। ये देखो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट बनेगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी, इसके अंदर हमने कुछ नहीं ऐड करना। 1.5 किलो मेरे चावल थे, इसके अंदर 2 से 2.5 लीटर मैं पानी शामिल कर दूँगी। ये 1.5 किलो चावल थे, 2.5 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पे अपने नमक का ख़ास ख्याल रखना है, अपने राइस के अंदर नमक कम नहीं होने देना, क्योंकि नमक अगर कम हो जाए तो फिर राइस का टेस्ट ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसको मैं बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी, इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर है, जल्दी से वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। यखनी का हमारे बाल आ गया है, इसके अंदर अब डाल देंगे हम चिकन। मैं यहाँ पे कच्ची बासमती का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल जो है मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी चावल इस्तेमाल कर रहे हो उसी हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा।
राइस मैंने ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम आंच पे मैं इसको ढकी छोड़ता हूँ पकने के लिए। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी रेडी होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार सी है। नमक यहाँ पे अच्छे से चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो और ऐड कर लीजिएगा। इनसे 4 मिनट से पकते हुए हो गए हैं, इसका आधा भाई तकरीबन खुश्क हो गया है, चावल हमारे खुलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मजीद पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि पानी जो मकम्मल खुश्क हो जाए। जब जब पानी खुश्क होगा तो फिर उसको हम दम लगाएंगे। चावल का पानी खुश्क हो गया है, इसके अंदर हमने सौंफ और धनिया का जो थोड़ा सा हमने जब बचा के रखा था ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे हम डाल देंगे फूड कलर, येलो फूड कलर हम डालेंगे यहाँ पे। इसको मैं कपड़ा रख इसके ऊपर रख के मैं 10 से 15 मिनट के लिए लो आंच पे मैं इसको रख दूँगी दम के लिए। 10 मिनट मुकम्मल हो गए थे, अब दम आ गया है। देखिए हमारा ज़बरदस्त अमरादाबादी ये बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त लुक, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट है, बहुत देखने में खूबसूरत लग रही है। आप लोगों को कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आई कि आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये डिश आउट करके दिखाऊँगी।